तो दोस्तों आज मेरे भाई आए हैं नजफगढ़ दिल्ली से। तो भैया जो है आए लंच टाइम में, मैंने भैया लंच करेंगे पहले उसके बाद बात करेंगे, और भैया कह रहे नहीं भैया पहले सप्लीमेंट। मैंने जी भाई नहीं, पहले डाइट, पहले लंच उसके बाद सप्लीमेंट, और फिर भाइयों को रबड़ी भी खिलानी है अभी तो, पलवल की मशहूर रबड़ी। तो यहाँ पर भाई से पूछूंगा, भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? भैया जी बहुत अच्छा लग रहा है। भाई जी जो बात वीडियोस में सेम है कुछ अलग है? नहीं नहीं सेम है। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप भी जुड़ो सप्लीमेंट्स विलास। दोस्तों यहाँ पर लंच हो चुका है और भाइयों के लिए रबड़ी मंगवा दी है पलवल की मशहूर, पर मैं नहीं खाऊंगा। भैया कह रहे थे भैया आप खा लो, मैंने भैया मुझ पे हाथ जुड़वा लो, एक रबड़ी खा के 9 किलो वजन बढ़ा पड़ा है मेरा, आपको देखना भी होगा ये। तो यहाँ पर जो है भैया से पूछूंगा, भैया कैसी लगी है रबड़ी आपको? बहुत अच्छा। अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छा जी। कैसी लगी है? सही है, सही है। तो दोस्तों यहाँ पर भाई इतनी दूर से, पीछे से भाई जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और आजमगढ़ से बहुत डिमांड है सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट ओपन होना चाहिए, हो जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले होगा कानपुर और देन फिर चलेंगे अगले डेस्टिनेशन पर। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर भाइयों का हो चुका है लंच, और भाई राम ने मुझे बड़ी अनोखी बात बताई यार। तो सबसे पहले चलो स्वागत कर लेता हूँ भाइयों का। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका यार, बहुत बहुत स्वागत है दोनों भाइयों का। भाई रहने वाले हैं आजमगढ़ के और दिल्ली से अभी आ रहे हैं नजफगढ़ से। तो सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन, और इनकी अजीबो गरीब वो बात क्या है वो मैं बताऊंगा। भैया नाम आप? रामचंद्र चौहान सर। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं नजफगढ़ से। रहने वाले कहाँ के हैं? आजमगढ़ से। भाई कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा भैया जी। जी और भाई आपका क्या नाम है? लव सिंह चौहान। भाई कैसा लगा यहाँ के? अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भाइयों को लगा है अच्छा बिल्कुल यहाँ आके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाइयों के आगमन से, मेरा भी दिल गदगद हो गया, खुश हो गया। अब जरा वो मेन बात पूछता हूँ भाई से, भैया आप जिम जा रहे हो? नहीं नहीं जिम नहीं जा रहे भाई। जिम नहीं जा रहे हैं और सप्लीमेंट्स वाला आ गए हैं, मतलब वही गलती जो अक्सर बहुत सारे भाई हमारे करते हैं और हर बार मैं जो है खाली हाथ ही लौटा देता हूं। तो यहां पर भाइयों को भी मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं दिया। दोस्तों मतलब मैं आपको बार बार हर वीडियो में यह बात बता रहा हूं यार कि सप्लीमेंट लेने हैं, पर हमारा आधार जिम और डाइट ही है। अगर आपकी जिम अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो कोई सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं दे सकता। एटलीस्ट ओरिजिनल वाले जो सप्लीमेंट्स वहां पर मिलते हैं वो तो नहीं दे सकते, वो इतना सस्ता उतना सस्ता, इतना जल्दी उतना जल्दी वाला कुछ कर दे तो कर दे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सप्लीमेंट्स मिला आओ, पर पहले डाइट और पहले एक्सरसाइज का शेड्यूल बना के आओ। तो भाई को कोई भी सप्लीमेंट नहीं दी, सिर्फ दिया सलाह। तो यहाँ पर भैया से पूछूं, भैया कैसी लगी सलाह? बहुत अच्छी लगी भैया जी। कोई दिया तो नहीं है सप्लीमेंट? नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि भैया आ गए कोई दिक्कत नहीं है यार पेलो माल इनको? नहीं। कोई सेल वाली बात तो नहीं लगी? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों सेल का गोल है भी नहीं, ना कभी होगा यहाँ पर भाई ने एक समस्या अपनी जरूर बताई, वो मैं जब भाई खाना खा रहे थे तब भी थोड़ा नोटिस कर रहा था। भाई बता रहे थे कि भैया मतलब जो है क्या मेन समस्या है आपको? भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती है क्योंकि भैया ने जो है सिर्फ 2 रोटी खाई। मैंने कहा भैया और रोटी ले लो, अगर भैया नहीं हम नहीं लेंगे। मैंने कहा यार मतलब देखो मैं वैसे वेट लॉस पे हूँ यार, मैंने की 4 रोटी तो मैंने भी खा ली, क्योंकि देखो खुराक तो यार मेन चीज़ है। तो यहाँ पर भैया ने जो है 2 ही रोटी खाई, कहने भैया आप नहीं लेंगे यार। मैंने कहा इसका मतलब आपकी खुराक थोड़ी सी डाउन है, और भाई यहाँ बता भी रहे कि भूख इजीली नहीं लगती है। तो मैंने भूख के लिए तो सप्लीमेंट दे दिया है, पर वैसे इनके लिए भैया कह रहे हैं कि चेस्ट वेस्ट बन जाएगी, बाइसेप बन जाएगी। मैंने कहा बन तो जाएगी, पर बनेगी तो तब ना जब जिम में थोड़ी मेहनत करोगे, जब वेट ट्रेनिंग करोगे तब बनेगी। तो मैंने कहा 1.5 महीने बाद मैं आपसे मिलूंगा, अभी मैंने सिर्फ दिया है भाई को, राम दिखाओ क्या दिया है यहाँ पर, दिया है भाई को गट पावर, नेचुरल सप्लीमेंट है भूख बढ़ाने के लिए, और इसी के साथ दिया है एनर्जी प्रो। ये क्या काम करेगा? ये है नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना, एनर्जी भी रिकवरी भी। रिकवरी कैसे करेगा यार, इसके अंदर तो ग्लूकोज है? नहीं, सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, BCAA, ग्लूटामिन, सिट्रुलिन, विटामिन, मिनरल सब है। तो 450 रुपये का ये सिर्फ एनर्जी प्रो 32 दिन चलेगा, और यहाँ पर गट पावर। अगर आपको भी खाया पिया नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन का कोई इशू है, और आपने भी कोई ऐसा चूरन चटनी कुछ ऐसी जादुई जड़ी बूटी खा ली है कि जिससे भूख बढ़ी थी आसमान पर, उसके बाद धड़ाम से ज़मीन पर आ गई है, भूख ही लगती है, तो गट पावर ऐड करो आप। 2 महीने का सप्लीमेंट है, नेचुरल डाइजेशन बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा तो भूख बढ़ेगी तो खुराक बढ़ेगी, खुराक बढ़ेगी तो वैसी गेनिंग हो जाएगी यार। और जिम जरूर लगाएं। तो भाई लगाओगे ना जिम? जी बिल्कुल लगाएं। पक्का वादा है ना? पक्का जी। तो आप भी दोस्तों जुड़े और भाइयों को ये सप्लीमेंट मिले बिल्कुल ओरिजिनल GST बिल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर GST मिला और ये टी शर्ट सप्लीमेंट मिला की तरफ से भाई को गिफ्ट है, दूसरे भाई के लिए भी। और यहाँ देखे तो नो डाउट भाई ने जो 500-600 का टैक्स भी पे किया। पूछना चाहूंगा भाई क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है पैसा मैटर करेगा? पहले तो सेहत ही जरूरी है, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है जी, मेन तो सेहत ही होती है। और भाई क्या सलाह देना चाहेंगे राम सभी को?
पहले तो हम यही कहेंगे कि पहले एडवाइस लेना बहुत जरूरी है जी, और उसके बाद फिर सप्लीमेंट है। और एडवाइस में मैं आपको दे देता हूँ एडवांस गोल्डन एडवाइस, पहले जिम लगाओ महीने डेढ़ महीने, बिल्कुल बिगिनर है आप तो डेढ़ महीने कम से कम, एक डेढ़ महीने जिम लगाओ, उसके बाद डाइट का थोड़ा शेड्यूल बनाओ, फिर सप्लीमेंट्स लाओ, फिर दूंगा आपको सप्लीमेंट जरूर दूंगा। तो आज भाई को खाली हाथ लौटा रहा हूं, अगली बार मिलूंगा भाई से जब भाई का जिम का और डाइट का शेड्यूल बनवा दूंगा, वो मैं बनवाऊंगा। और बाकी अगली बार जो है भाई की थोड़ी भूख भी खुल जाएगी, डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा, फिर भाई के साथ दोबारा लंच करूंगा, फिर मजा आएगा। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट सलाह से, भाई ने वीडियो बनवाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का। वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में से निकली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जुड़ो सप्लीमेंट्स विला से।